कराची के इलाके मलीर सालार घोट में कत्ल होने वाला नाजिम चोखियो, इनके लवाहिकीन ने कातिलों के साथ मुफाहमत से साफ इनकार कर दिया। इंसानियत सोज तशद्दुद से शौहर की मौत पर बेवा शिद्दत गम से निठाल है। कराची का इलाका मलीर मेमन घोट, यहाँ पर जान ले ली गई नाजिम चोखियो की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसके बारे में तो आपको बताएंगे बाद में, पहले ये जान लीजिए कि मुफाहमत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाजिम चोखियो की अहलिया शिद्दत गम से निठाल है, बहुत परेशान है, और उन्होंने कहा मेरा वारिस गया है, कोई खिलौना नहीं गया, मुझे बहलाया नहीं जा सकता, मुझे पैसे नहीं दिए जा सकते, मुझे खुशी इस तरह नहीं दी जा सकती। दिन दहाड़े कैसी वारदात हो जाती है, एक शख्स के साथ में क्या कुछ हो जाता है। कराची के इलाके मलीर मेमन घोट में कत्ल होने वाले नाजिम चोखियो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ गई है, और इसके बाद मकतूल नाजिम चोखियो के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए, ये बात वाजे हो गई है। यही नहीं, आंखों पर भी सूजन थी, ये सब कुछ इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। इससे पहले सब कुछ ऐसा कहा जा रहा था कि मुबैना है, वाजे होना बाकी है, लेकिन अब मामलात साफ होते जा रहे हैं। नाजिम चोखियो की जान कैसे गई, बदतरीन तशद्दुद का उनको निशाना बनाया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई।